खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है दूरदर्शन की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद यहां जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और वहीं भारतीय जनता पार्टी की यहां पर बम्पर सीटें निकल कर आई हैं। अब ये करिश्मा हुआ या तो यहां पर कांग्रेस का घटता जनाधार क्या वजह है, इस पर हम चर्चा करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक, प्रदेश महामंत्री और आईआईसीसी के मेंबर राजेंद्र जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी यहां से सीटें हारी और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर करिश्माई जादू किया, क्या कहेंगे इसे? माननीय विजय जी, मैं तो ये मानता हूं कि 15 वर्ष की जो हमारी साधना थी, 60 वर्षों में कांग्रेस ने जिस अंचल को विकास से दूर रखा और नारा दिया एक रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे, उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी ने विगत 15 वर्षों में की। हमारे इस अंचल को एक ऐसा नेतृत्व मिला राजेंद्र शुक्ला जी के रूप में, जिन्होंने विकास परखी नजर से इस क्षेत्र के विकास को ध्येय बनाकर काम किया। उन्होंने दलगत जातिगत क्षेत्रीयता के विचारों से ऊपर उठकर, मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक विचारधारा से 100 कदम आगे बढ़कर, उन्होंने जिस तेजी से इस क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया, उसका परिणाम है कि हमें इतना बंपर आशीर्वाद मिला है। मैं एक दो वानगी जरूर देता हूं आपके सामने। राजेंद्र शुक्ला जी ने जिस मुस्तैदी के साथ और ईमानदारी के साथ 15 वर्षों में काम किया, उसका परिणाम आप देखिए कि हमने विचारधारा से ऊपर उठकर रीवा में अंतर राज्य बस स्टॉप जो बनाया, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बनाया, उनकी स्टेच्यू बनाई, उनके नाम से चौराहा बनाया। और दूसरा काम हमने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे और लंबे समय तक कांग्रेस उन्हें जब जीवित थे तो लोकसभा में जाने के लिए रोकती थी कि लोकसभा ना पहुंचे, ऐसे महान नेता को यहां के अंचल की मांग थी कि एक चौराहे में उनकी मूर्ति लगाई जाए, परंतु हमारे राजेंद्र शुक्ला जी ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो विश्व स्तर का रीवा में कलेक्ट्रेट भवन बनाया, उसमें आदमकद प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्थापित की। दूसरा काम, तीसरा काम मैं गिनाऊंगा, हम सब ये जानते थे, मैं जब छोटा था, बच्चा था और पढ़ता था स्कूलों में, तो कहा जाता था कि रीवा सफेद शेरों की जननी है। मैं बड़ा हुआ तो जब कॉलेज जीवन में आया तो हमने भी ढूंढना शुरू किया, कहां है सफेद शेर। हम लोग जाते थे किले में और एक मोहन की फोटो देखकर प्रसन्न हो जाते थे कि ये सफेद शेर है। उस गौरव को जो इस अंचल की सबसे बड़ी बात थी, विश्व स्तर पर इस क्षेत्र का नाम था, उसे पुनर्स्थापित करने का काम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया और सफेद शेर लाया। और एक दो मिनट का और मैं समझ लूंगा। और सफेद शेर जो सफेद शेरों की जो पुनर्वापसी हुई और चिड़ियाघर बनाया गया, उसका नाम भी महाराजा मार्तन सिंह जूदेव के नाम से रखा। एक और काम बता दूंगा, इसके बाद फिर मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। जो मध्य प्रदेश के अंदर पहली सोलर प्लांट बना, वो भी हमारे विधायक नहीं थे, हम वहां से हार चुके थे गुढ़ में, हमने विरोधी दल के विधायक के क्षेत्र में लगाए, ये जरूर हुआ कि उसका फायदा नहीं ला पाए और हम पुनः बंपर वोटों से जीत कर आए। और एक जो अपने सिरमौर चौराहा में फ्लाई ओवर बना, मध्य प्रदेश का पहला फ्लाई ओवर है ये, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने इस अंचल के
समाज सेवी नेता जिन्होंने वास्तव में इस अंचल की सेवा की थी, अमुना प्रसाद शास्त्री के नाम से उस पुल का नाम रखा। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे लोगों का नाम हो। हमने राजनीतिक विचारधारा से बहुत ऊपर जाकर इस अंचल का विकास किया। उसका परिणाम है कि इस अंचल की जनता ने हमारे विकास को महसूस किया, हमारे कार्य को सराहा और हमें ऐसा बहुमत दिया कि विरोधियों को, हम तो कहेंगे कि घरानों की राजनीति करने वाली कांग्रेस के धुरंधरों को, जो स्वप्न पाले थे कि हम बहुत ऊंचे जाएंगे और प्रदेश का नेतृत्व देंगे, उनको जमीन तक इस मुंह छुपाने के लिए इस अंचल की जनता ने नहीं दी। जी बिल्कुल, जिस तरह से एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में स्थापित हो गया, साथ ही यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी का भी निर्माण हुआ, इसके समेत यहाँ पर कई विकास कार्य हुए, इसी की बदौलत अगर माने कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से साफ हो गई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीटें अपनी बढ़ाने में कामयाब हुई। योगेश जी को मैं सुन रहा था जी, और आपने उनको काफी समय दिया है, मैं चाहता हूँ कि हमको भी आप सुन लें। जी बिल्कुल, आपको भी समय मिलेगा। मुझे लगता है कि योगेश जी ने कहा कि जैसे इनके मानचित्र में अकेले केवल एक रीवा संभाग है, एक बिंद डिवीजन है जहां से कांग्रेस की सीटें बहुत कम आई, इनके विकास के चलते ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं कहना चाहता हूं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तो कहते हैं कि हमने पूरे देश में कितने राज्यों पर कब्जा कर लिया, और उसी पार्टी के आप व्यक्त होकर के अकेले बिंद डिवीजन पे अपने को रेखांकित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं योगेश जी, आप बताएं जरा कि मध्य प्रदेश में आपका क्या हाल है? जिस राज्य में आपने 15 वर्ष तक राज्य किया, उस राज्य में आज आपकी स्थिति यह हो गई कि आपको अपने बखान करने के लिए सिर्फ रीवा डिवीजन की चर्चा आपको करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश का जैसे मध्य भारत हो, महाकौशल हो, निमाड़ एरिया हो, जैसे मध्य प्रदेश में हो ही ना, क्योंकि वहां चूंकि आप आ रहे हैं तो वहां की चर्चा करने में आपको दिक्कत जा रही है। रह गया विकास की बात की चर्चा, अभी बहुत लंबे चौड़े सोपान में उलट पलट कर 3-4 बार किसी मंत्री जी का नाम लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं विकास के सोपान में कौन कौन सी चीजें आएंगी? क्या ये विकास के सोपान में नहीं आएगा कि रीवा से सतना जाने के लिए पिछले 5 वर्षों से बाई रोड हम रास्ता नहीं निकल पा रहे हैं? क्या ये विकास के सोपान में नहीं आएगा कि इलाहाबाद जाने के लिए हम रीवा से इलाहाबाद बाई रोड जाने की स्थिति में नहीं है? क्या विकास के सोपान में ये नहीं आएगा कि अस्पताल में गरीबी रेखा के नीचे लिए कार्ड लोग और उनको दवाई नहीं ढूंढे मिल रही है, एडमिशन कार्ड उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी के नाम पर 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू हो चुके हैं लेकिन कहीं से देश का कोई भी डॉक्टर यहां आने के लिए तैयार नहीं है? ये किसके खाते में जाएगा? ये जो जिस तरीके से रोजाना राजनी डकैती आगजनी और लैंड ऑर्डर की सिचुएशन जो आज निर्मित है, जिसके कारण से पूरे प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, ये किसके खाते में जाएगा? खाली मीट मीट गप और करू करू थू, ये इस तरीके से काम योगेश जी चलने वाला नहीं है। मैं आपसे पुनः कहूंगा कि जिन कामों का आपने अभी पता नहीं क्यों बाण सागर की बातचीत करना ये भूल गए, शायद समय उनको कम पड़ गया होगा। बाण सागर की देन कोई और है, रीवा में मेडिकल कॉलेज था, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, रीवा में हॉस्पिटल था, ये तमाम सारी देनें किसकी हैं? तो योगेश जी जब आप अपनी व्याख्या करें, अपनी बातों का बखान करें, अपनी बातों के विकास की बातचीत करें, अपने मंत्री के विषय में आप बातचीत करने की बात सोचें, तो आप ये ना सोचें कि आजादी के इन वर्षों में जो कांग्रेस का योगदान रहा है, कांग्रेस के नेताओं का जो योगदान रहा है, वो भी रीवा में पहली बार बिजली का इतना बड़ा काम नहीं हुआ है, पहली बार पानी का इतना बड़ा काम नहीं हुआ है, धीरे धीरे स्नेह स्नेह प्रगति के दिशा पर जैसे पूरा राज्य बढ़ा है, देश बढ़ा है, उसी सोपान में यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज जी, गिनती के कॉलेजेज होंगे मध्य प्रदेश में, उन्हें रीवा को सबसे पहले मिला है। तो इस तरीके से विकास की किसी दिशा पर कभी कांग्रेस ने और कभी आपने भी जनता से चुन करके हम सब लोग आए हैं, हम सबका यह कर्तव्य है कि मिलजुल करके इस राज्य का, इस संभाग का और इस जिले का विकास करें। और उस सोपान में कांग्रेस के आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, आते के साथ में। राजा जी, यहाँ पर एक चीज योगेंद्र जी ने कही कि यहाँ पर कद्दावर नेता भी हार गए, जिसपे से अजय सिंह, राहुल, राजेंद्र सिंह और सुंदरलाल तिवारी भी शामिल हैं। ये पहली बार हुआ है जी, हारने में तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे जी,
हारने के नाम पर अगर आप बात करते हैं तो प्रजातंत्र की यही खूबी है कि जनता जिसको चुने, जनता जिसको माने, वो अपने तरीके से चुनाव। एक जमाना था जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में 2 सीटें थी, तो हारने के नाम पर कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये एक सिलसिलेवार प्रजातंत्र का फिनोमेना है, ये एक प्रक्रिया। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कभी ये जीते हैं, कभी हमारे, कभी हम जीते हैं, कभी ये हारे, ये एक फिनोमेना है, इस पर इतराना नहीं चाहिए। एक बात यहाँ पर ये आ रही कि आपकी मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है और विंध्य क्षेत्र से ऐसे कद्दावर नेताओं का हारना, मतलब आपने उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ, अगर हम कहें कि जो पद मिलने वाले थे मंत्रिमंडल में, वो जगह आपने खो दी है। मुझे लगता है कि हमने कोई जगह नहीं खोई है और जिसका जो हक है, अभी भी जो लोग जीत करके आए हैं, लगभग 7-8 सीटें हमारी यहाँ से जीत करके आई हैं, उनमें से प्रतिनिधित्व मिलेगा। और कैबिनेट का विस्तार, राज्य मंत्रिमंडल का जो विस्तार और जो बनता है, वो प्रदेश के आस्पेक्ट पर बनता है, वो कोई एक जिला के आधार पर नहीं बनता है। तो इसलिए मेरा ये कहना कि जो अन्य लोग कांग्रेस में काफी वरिष्ठ जन भी जीत करके आए हैं, वो उस काम को पूरा करेंगे। मंत्रिमंडल और कैबिनेट के विस्तार में कोई एक जिला और रीजन या क्षेत्र का प्रश्न नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों तक यहाँ पर सरकार रही और जो काम अधूरे छूट गए हैं, क्या लगता है योगेंद्र जी की, जैसा कि अभी आप राजेंद्र जी ने कहा कि यहाँ पर सड़कें खराब है, चिकित्सा व्यवस्था ठप है, ऐसे में किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक काबिज रही और ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई? जिस तरह से 15 वर्षों में हमने विकास किया, उसी तरह हम विकास करेंगे। और उसकी आप क्या विकास करेंगे, तो आपके पास उसे ही नहीं है। अरे हमारे जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा है और विधायक बन जो विकास किया है उसी विकास को आगे ले जाएंगे। हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दी, हमने इस अंचल में विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछाया है, हर खेत को पानी पहुंचाया। एक बात मैं विजय जी कहूंगा, मैं तो 1 महीने का इंतजार कर रहा हूं, राहुल गांधी जी रीवा में आए थे, आपने देखा था, और घोषणा करके गए थे कि हर रीवा जिले में मैं मेड इन मोबाइल की फैक्ट्री लगाऊंगा, और 1 महीने का इंतजार है, 1 महीना सरकार बने हो जाए और यहां पर आए और लोकार्पण करें फैक्ट्री का, और रीवा का मोबाइल पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में पहुंचे, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। योगेश जी और कहेंगे, माननीय जी इस बात के गवाह है कि राहुल गांधी ने यहाँ आकर कहा था कि मेड इन रीवा मोबाइल मैं बनाऊंगा 1 महीने के अंदर, हम 1 महीने का इंतजार कर रहे हैं। तो करिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बस वही इंतजार को जल्द आया, 17 को सरकार बनी, अभी हमारा मंत्रिमंडल बना नहीं, मोबाइल आप पहले लेके बैठ गए। भाई जो घोषणा हुई थी, मैं एक चीज विजय जी कहूंगा, माननीय मिश्रा जी इस अंचल के ऐसे मूर्धन्य कांग्रेसी नेता हैं जो बेबाक बातें रखने में सक्षम है, एक दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ा रहता है, आप जब सत्ता में का पार्टी आती तो आप लूप लाइन में चले जाते। इस बार मैं चाहूंगा कि यह आपके साथ ना हो। एक मैं वानगी दूंगा माननीय मिश्रा जी की, मिश्रा जी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बहुत ही सटीक शब्दों में अपनी बातें रखते हैं। हमें याद है 2000 और 2003 के बीच का वो दौर जब कांग्रेस पार्टी रीवा जिले में सुरसा की तरह यहाँ के तालाबों को, यहाँ के जंगलों को, यहाँ की जमीनों को खा रही थी, निगल रही थी, विरोधी दलों के ऊपर 80 वर्ष के बुजुर्गों के ऊपर 376 के मुकदमे लगा रही थी। ऐसा तांडव था, अगर किसी के घर में यह पता चल जाए कि इसके घर में संपत्ति है तो डकैती डलवा दी जाती थी पुलिस के सहयोग से। एक घटना हुई थी लाल गांव में, वृद्ध दंपति के घर में डकैती डाली गई, उनकी पूरी संपत्ति ले गई। मैं 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा। और बड़ा तांडव था उस समय, मिश्रा जी ने अपने ही दल के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अत्याचार के खिलाफ मनिगामा में धरना दिया और जेल गए। जैसे कि उस समय विपक्ष को भी यही होता था कि अगर सरकार का विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे, मिश्रा जी के साथ हुआ। इसलिए मैं मिश्रा जी कहता हूं कि आप वाकई में इस अंचल के मूलधन्य नेता हैं। अब इस बार सरकार आई है, आप जो आपने जो वचन पत्र दिया है उसे पूरा करें, और पूरा करके जन अरमान को अगर पूरा करते तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते। 1 महीने में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं रीवा मेड इन मोबाइल बनाऊंगा, अगर वो बना देते हैं तो मैं आपका माल्यार्पण करके स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा, नहीं बनाएंगे जनता के पास जाऊंगा। जन जन के
मुझे लगता है कि योगेश जी को सत्ता छोड़ते ही भूलने की बीमारी हो गई है। जिस जमाने की आप बातचीत कर रहे हैं उस समय मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था और बिजली के आंदोलन को लेकर के मैं निश्चित रूप से जेल में था। आप बिजली के नाम पर गए थे पर उसके पीछे कारण 15 दिन जेल में रहा। और मैं आपसे ये कह दूं कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, यद्यपि कमलनाथ जी के राज्य में ऐसा होना नहीं है, लेकिन अगर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में कोई बात आती है तो मैं दल के भीतर भी रह करके उस बात को कहने में हिचकूंगा नहीं। योगेश जी, आपकी आतुरता, आपकी जल्दबाजी और आपकी जो खटबदाहट है मैं उसको समझ सकता हूँ। सत्ता गए अभी आपके पास से हफ्ता भर भी नहीं हुआ, मोबाइल दिखाई पड़ने लगा, आपकी घोषणाओं की याद दिला रहे हैं आपके प्रमुख व्यक्ति ने। आशा कार्यकर्ता को 2000 मिल गए, अभी मिले कहाँ साहब, मिले कहाँ? योगेश को दिखाई नहीं पड़ रहा। इनके जमाने में, इनके जमाने में महिलाओं को मुंडन करना पड़ रहा था। अरे ये तो आपका आयोजित ढंग से था, आपके माध्यम से मान करने के लिए महिलाओं को मुंडन कराना पड़ा। कमलनाथ जी ने चार्ज लेते ही 51,000 रूपए वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए देना स्वीकार किया। अभी तो कमलनाथ का काम करने का जो तरीका है वो तरीका बिना मांगे जो आवश्यकता है उस राज्य में, इस राज्य में जनता को प्राप्त होगा, इतना ही आपके बीच में मैं कहना चाहता हूँ। तो बना नहीं पाए साहब, कैबिनेट तो आपके बना नहीं पाए। विंध्य क्षेत्र में किस तरह से यहाँ पर खाद की किल्लत है और ऐसे में कांग्रेस सरकार यहाँ पर क्या कुछ करेगी? खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर जिसका ताल्लुक आपसे, वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है नई दर्शन की पहचान। सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। गर्मा गर्म बहस जारी है, इस पे कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, वही भारतीय जनता पार्टी भी अपना पक्ष रख रहे हैं और देखना दिलचस्प है कि दोनों ही एक निश्चित जो एजेंडा है उस पर बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि यहां पर जिस तरह से मिश्रा जी ने अभी कहा कि चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो पाई, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सक नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर तैयार होने में कम से कम 18 वर्ष लगता है और 18 वर्ष पहले किसका शासन था? डॉक्टर पैदा न करने की किसकी जिम्मेदारी? शासन में कांग्रेस के शासन पार्टी 15 वर्ष में रही है, समस्या सुनना जनता नहीं चाहती। हमने काम किया, हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दी रीवा में। डॉक्टर नहीं है तो क्या करेंगे अस्पताल को? आप मेरा निवेदन तो सुन ले, अस्पताल को क्या करेंगे? 15 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में 320 सीटें थी MBBS की, आज हमने उसे 7000 कर दिया। आपने डॉक्टर पैदा ही नहीं होने दिया, आपकी सोच ही नहीं। मरीज को डॉक्टर ना मिले, आप 7000 के बजाय 70000 कर दे, क्या मतलब है? सवाल इस बात का है कि वो फैसिलिटी आपने 15 वर्षों में क्यों नहीं दिया कि बॉम्बे का डॉक्टर, इंदौर का डॉक्टर, दिल्ली का डॉक्टर, मद्रास का डॉक्टर हवाई जहाज के मार्फत भगता हुआ आपके पास आता। हमारे जमाने में हवाई जहाज चलने लगी थी, आपके जमाने में बंद हो गई। आप सिटी बस तो चला नहीं पाए, हवाई जहाज चलाने की बात सिटी बस तो हमने चला दी। कहाँ चला है? रोड बंद होती है रीवा में, रोड बंद होती है, सिटी बस चल रही है, सिटी बस चल रही है। हमने जो काम किया है वो जनता जानती है, उसी की परिणी था कि हमको इतना आशीर्वाद दिया है और आपका सुपड़ा साफ कर। जैसे में प्रदेश में आभार के मुख्यमंत्री बने हैं कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री जी बने हैं, परंतु आपके 41% वोट हम पाए हैं, आप 40% में है, 1% ये अंक सरकार हम लिए, सिर्फ 5 सीटों में आप हमसे जीते हैं। अभी तो आपको विधानसभा परीक्षा, अगली परीक्षा देनी है। मुख्यमंत्री जी आपके कैबिनेट नहीं बना पाए, इतने दिनों 15 दिन होने को आया है, कैबिनेट बना नहीं पा रहे हैं और
लगातार शर्म करो, शर्म करो योगेश जी। 17 को मुख्यमंत्री का शपथ हुआ है, आज 22 को हम बहस कर रहे हैं, कहां से 15 दिन यार? ये कौन सी गणित से, किस स्कूल से, किस स्कूल से भाजपा ने आपको पढ़ाया? बिल्कुल, जो यहां पर बहस जारी है उस पर ये देखा जा रहा है कि दोनों ही पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बात है यहाँ पर कि जो समस्याएं हैं उस पर आखिर कैसे निदान पाया जा सके, क्षेत्र की जनता को कैसे लाभ मिल सके, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि यहाँ पर क्या योजनाओं की कमी है, उसको अब कमलनाथ पूरी करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पर अवसर उपलब्ध हो सके? मुझे लगता है बहुत गंभीरता के साथ में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का एक स्वरूप मध्य प्रदेश में इन 15 वर्षों में बना है, कमलनाथ जी को उसको फेस करना पड़ेगा और उससे निजात और मुक्ति दिलानी पड़ेगी। एक भय का वातावरण जो निर्मित है समूचे प्रदेश में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी जो चल रही है, इससे निजात दिलाने के लिए कमलनाथ जी को आगे आकर के बहुत सारी चीजों को अपने तरीके से, जो कांग्रेस के पंचायती राज प्रारंभ हुआ, पंचायती राज में जो सरपंचों को अधिकार प्राप्त थे, जो जनपद सदस्य जनपद अध्यक्षों को अधिकार प्राप्त थे, जिला पंचायत के अध्यक्षों को जो अधिकार प्राप्त थे, उनमें सारे में एक साथ कटौती कर दी गई। तो ये जो महात्मा गांधी का मूल स्वरूप था कि हमको ग्राम स्वराज लाना है और उस ग्राम स्वराज की दिशा पर हम जो आगे बढ़ रहे थे, इन 15 वर्षों में उसमें पलीता लगा दिया गया। तो मेरा आशय यह है कि इन तमाम सारी बातों को एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता है। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि 11 तारीख को परिणाम आया इसी दिसंबर में, 17 को शपथ हो रही है, अभी तो हमारा पूरा मंत्रिमंडल तक बन नहीं पाया है, और आज से ही हम पर संदेह पैदा करना और आज से ही ये मन में भाव बना लेना कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कुछ तो समय, महीना, 15 दिन 2 महीने, कुछ तो समय हमको देंगे आप। और जब ये समय देंगे, कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक लंबा अनुभव है। एक बार कोई व्यक्ति विधायक और सांसद बन जाता है तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया काम करने की बन जाती है, 8-8 बार का सांसद है वो आदमी। कोई एक व्यक्ति एक बार केंद्रीय मंत्री बन जाता है तो उसकी एक सीनियरिटी होती है, वो कभी उद्योग विभाग का मंत्री बनकर के, कभी टेक्सटाइल के मंत्री बनकर के, जब हमारा मंत्रिमंडल बना है केंद्र में उसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो एक सीनियर सीजन और इतने वर्षों तक काम करते करते भी कमलनाथ जी के ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। कोई सरपंच बनता है तो कहीं ना कहीं ख्यानत का एक मुकदमा उस पर चलता होता है, लेकिन इन 25-30 वर्षों में मैंने देखा है कि कमलनाथ जी ने इतना लंबा चौड़ा काम प्रदेश में और देश में किया है, लेकिन एक पाई का कोई किसी तरीके का उनके ऊपर आरोप नहीं है। तो इसलिए हम ये विश्वास करें, ये भरोसा करें कि आने वाले समय में इस राज्य का सौभाग्य होगा कि कमलनाथ जैसा नेतृत्व मिला है और आगे चल करके निश्चित रूप से इस राज्य का भला होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ, यही मेरा विश्वास। विभिन्न क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे विधायक चुनकर गए हैं, आप क्या मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि वो आपके इन बातों का ध्यान रखें और इस क्षेत्र का विकास हो सके? इस क्षेत्र का विकास तो जिस तरह से 15 वर्षों में भाजपा ने किया है उसी शिद्दत के साथ हम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी भले सत्ता में है परंतु उसे हम विवश करेंगे कि जनता के अरमानों को पूरा करे। झूठे वादे करके सत्ता तो पाया जा सकता है पर जनता के अरमानों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं कर पाएगी। एक घोषणा आपने देख ली, कांग्रेस पार्टी ने किसानों को झुंझुना ठिगा दिया, अब जो मेड इन रीवा का मोबाइल का नंबर है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही झूठ फरेब की राजनीति कर रहा, दृढ़ राजनीति कर रहा। कांग्रेस ने कभी अगर काम किया होता तो 60 वर्षों में है क्षेत्र विश्व स्तर में, जिस तरह से 15 वर्ष में भाजपा के शासन में ऊंचाइयों को छुआ है, सफेद शेर यहाँ का गौरव वापस आया, कांग्रेस ला देती। बिल्कुल, जिस तरह से कमलनाथ की सरकार यहाँ पर काम कर रही है, पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया कर्ज माफी का, और ये एक बड़ा फैसला था जिससे बाकी राज्यों में सरकारों की नींदें भी हराम हो गई और वो भी मजबूर हो गए कि किसानों के हितों में उनको भी काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बाकी के काम भी करने अधूरे हैं उनको भी पूरा करने का कांग्रेस सरकार पूरा प्रयास करेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है यहाँ से आपसे विदा लेने का, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया अपने श्रोताओं को भी।